यस सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है पावर फ्लो डायग्राम, आप देख सकते हैं। और इससे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, रोटर्स और टाइप्स ऑफ रोटर्स कंप्लीट कर लिए थे हमने, थ्री फेज रिवॉल्विंग फील्ड क्या होती है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, रिवॉल्विंग फील्ड कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा हम और क्या कंप्लीट कर चुके हैं भाई, इक्विवेलेंस सर्किट भी मैं आपको बता चुका हूँ, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आज जो टॉपिक है वो है पावर फ्लो डायग्राम, नियरली 60-70% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है आपके लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि पावर फ्लो डायग्राम क्या होता है, किसके लिए, इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। तो पावर फ्लो डायग्राम मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लो होना किसी भी चीज़ का, जैसे पानी फ्लो होता है वैसे ही पावर फ्लो हो रहा है। पावर फ्लो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पावर का जाना, तो इसको क्या बोलेंगे, पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो देखिए एक बात को ध्यान रखिए, आज हम मशीन पढ़ रहे हैं और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट थर्ड इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जब हम पढ़ रहे हैं तो इंडक्शन मोटर में सबसे पहले ये क्या है, एक प्रकार से मशीन है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर नाम ही जुड़ा है मोटर, तो मोटर में क्या होता है, किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस पॉइंट को नोट करें आप कि मोटर में क्या होता है, मैकेनिक, यस यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम शुरुआत कहाँ से, फ्लो कहाँ की ओर करेंगे हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिकल से, कहाँ की ओर जाएंगे, मैकेनिकल की ओर जाएंगे, ठीक है। अगर जनरेटर होता तो उल्टा होता, तो हम क्या करेंगे, लिख लीजिए इंडक्शन मोटर में अगर हमें पावर फ्लो डायग्राम बनाना आता है आरजीबीवी में, तो हम कहाँ से कहाँ की ओर जाएंगे, हम जाएंगे स्टेटर से रोटर की तरफ, क्योंकि हम सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, स्टेटर पे, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, रोटर पे, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर इनपुट के बारे में, ठीक है। तो स्टेटर पे कौन सी सप्लाई होगी भाई, स्टेटर पे होगी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, थ्री फेज सप्लाई, और आप ये देख सकते हैं इसके बाद क्या होगा, इसमें दो प्रकार की लॉसेस हो जाएंगे, आई स्क्वायर लॉसेस, ठीक है, और एक होगा कोर लॉसेस। आई स्क्वायर लॉसेस क्यों होगा, क्योंकि स्टेटर में आपने क्या रखी है, वाइंडिंग रखी है, तो उसके कारण जो लॉस होगा वो कौन सा लॉस होगा, आई स्क्वायर लॉस। और कोर लॉस, कोर लॉस क्यों होगा, क्योंकि आपका सीधी सी बात है, कोर लॉस में मैंने बताया था दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। ये दोनों लॉसेस कहाँ पे होंगे, आपके कोर लॉसेस में आएंगे, तो यहाँ तो ये दोनों लॉसेस खत्म कर देंगे, ठीक है, हीट के फॉर्म में। ये लॉसेस कहाँ खत्म हो जाएंगे, हीट के फॉर्म में। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा, स्टेटर आउटपुट, स्टेटर आउटपुट मतलब ये चेन, ये पावर यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये पावर यहाँ खत्म हो जाएगा, मगर इससे हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा स्टेटर आउटपुट लॉसेस, ठीक है। जैसे ही ये आगे बढ़ा एयर गैप में, मतलब इसके कारण क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इस मैग्नेटिक फील्ड से हम आगे बढ़े तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, कॉपर लॉस, कौन सा, रोटर, क्योंकि रोटर में भी वाइंडिंग है, ठीक है। और यहाँ से जो एक्चुअल बनेगा टोटल मैकेनिकल पावर, यही पावर हमारे रोटर को घुमाएगा, मगर इसमें भी कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे कि आप बना सकते हो, जैसे कि देख सकते हैं रोटर कोर लॉस, ठीक है, फिर फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस क्यों, क्योंकि चलने में उसको कोई ना कोई हवा या एयर रोकेगी, फिर है विंडेज लॉस, ये नोट कर लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा अगले इस आगे में कि विंडेज लॉस क्या होता है, और स्ट्रे लॉस, और लास्ट में जाके आपको सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, आउटपुट पावर, और यही पावर आपके रोटर को घुमाएगा। तो आपको जो आउटपुट पावर मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, मैकेनिकल फॉर्म में मिलेगा, ओके। चलिए अच्छा एक डायग्राम और मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा था, जरा इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेटर को सप्लाई दी, इसके कारण क्या हुआ, स्टेटर लॉस हुआ, फिर पावर आगे बढ़ी एयर गैप में, फिर रोटर के पास पावर आई, रोटर के पास फिर कॉपर लॉस हुआ, फिर आगे बढ़े, फिर मैकेनिकल लॉस हुआ, मैकेनिकल लॉस के बाद क्या हुआ, लोड, लोड को सप्लाई मिली और आउटपुट यूजफुल पावर मिली, क्लियर। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सप्लाई क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल, आउटपुट पावर क्या होगा, मैकेनिकल, ठीक है। चलिए आगे देखिए इंपॉर्टेंट लॉस जो मैंने आपको ये स्पेशली अलग से लिखे हैं, कि विंडेज लॉस क्या होता है, विंडेज लॉस क्या होता है भाई, जो कि रेजिस्टेंस ऑकर्स ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस,
एयर रेजिस्टेंस के कारण जो भी लॉसेस क्रिएट होगा वो कौन से में आएगा, आपका विंडेज लॉस, ठीक है। स्ट्रे लॉस क्यों आता है भाई, क्योंकि दीज लॉसेस आर एक्चुअली एडी करेंट, एक्चुअली तो एडी करेंट का टाइप होता है, मगर क्या होता है ये मेटेलिक पार्ट में होता है, जो मेटेलिक पार्ट में जो लॉसेस फॉर्म होंगे वो स्ट्रे लॉसेस को इंडिकेट करेंगे। फ्रिक्शन लॉस मैंने आपको बताया था, मोशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं ना कहीं मोशन में रुकावट डाल रहा है। रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज प्रेजेंट ऑफ रेजिस्टेंस, किसके कारण आएगा ये, रेजिस्टेंस के कारण आएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर इसका एक रिवीजन आपको मैं फिर से कर देता हूँ। आज का टॉपिक था हमारा पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर, कैसे समझाएंगे, स्टेटर से चालू करेंगे, क्यों, क्योंकि स्टेटर में हम क्या दे रहे हैं, सबसे पहले सप्लाई दे रहे हैं, फिर कहाँ आएंगे, फिर ये नीचे आएंगे हम, सबसे पहले स्टेटर से रोटर की तरफ आए, तो ये सारे लॉसेस को आपको दिखाना है, तो पावर इस तरीके से मूव होगी। और ये डायग्राम आरजीपीवी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे इम्पॉर्टेंट लॉसेस, जो आपको लॉसेस बताने हैं, ठीक है। चलिए आज मैं एक लेक्चर और डालूंगा मशीन का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका वेट करिए अगले लेक्चर का, वो नोट कर लीजिएगा। अगला लेक्चर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आता है आरजीपीवी में, और उसका टॉपिक का नाम है, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट पढ़ाए थे मैंने आपको, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऐसे ही इंडक्शन मोटर में दो टेस्ट होते हैं, ठीक है, आयरन लॉस निकालने के लिए, कॉपर लॉस निकालने के लिए, या ब्लॉक रोटर टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको मैं बताऊंगा। तो अगली क्लास जो होगी उसमें हम टेस्ट पढ़ेंगे, तो इसे आप नोट कर लें, तो आज ये टॉपिक कंप्लीट होता है और एक दो दिन में ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।